देखिए, कोतवाली पुलिस ने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह है जो हाईवे पर रापी लगाकर लूट की वारदातों को अंजाम देता है। सूने घरों में, सूनी दुकानों पर शटर के ताले तोड़कर वहां पर चोरी की, नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देता है। इनको गिरफ्तार करके इनके पास से अभी 13 मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक 12 बोर कट्टा, चाकू बरामद किए हैं और वो सभी संयंत्र बरामद किए जिनसे चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभी तक लगभग 1.5 दर्जन घटनाओं को अंजाम देना इन्होंने हमारे ज़िले में स्वीकार किया है। पर चूँकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है तो हमारे ज़िले के साथ साथ पड़ोसी ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। ये लोग कोतवाली पुलिस के द्वारा कल जब ये डकैती की योजना बना रहे थे तब इनको पकड़ा गया है मुखबिर की सूचना पर। लखन नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, अभी पूछताछ जारी है। उसके ऊपर अन्य जिलों में भी जो हमने आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है उसके ऊपर डकैती के, लूट के प्रकरण। कल इनकी प्लानिंग थी कि 7 लोग मिलकर, जो मैंने बताया है, इन हथियारों के साथ ये लोग निकले थे तो यहाँ पर किसी बड़े पेट्रोल पंप पे या बड़ी किसी ज्वेलर शॉप पर ये लोग टारगेट कर रहे थे और एक डकैती की योजना इन्होंने बना रखी। इनसे पूछताछ की जा रही है कि हमारे ज़िले में कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है, नंबर एक। हमारे ज़िले के अलावा पड़ोसी ज़िलों में कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है और मशरू का कहाँ छुपाया है। अभी तक जो मशरू का इन्होंने जब्त किया है उसमें केवल हमने 13 मोटरसाइकिल, हमने लगभग 60-65 हज़ार रुपये कैश इनसे जब्त किया है, हमने इनसे हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों के माध्यम से। एक तो इनके अन्य गिरोह के सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है, इसके अलावा अन्य घटनाएं जो इन्होंने करी हैं पिछले दिनों में उनके बारे में पूछताछ। इन्होंने जैसे आभूषणों को ज्वेलर्स को बेचा है, उन लोगों को से पूछताछ की जा रही है कि कहां पर जाकर इन्होंने बेचा है, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही इन्होंने अपने जो मशरू का था उसको विभिन्न जगह पर एडजस्ट किया था, उसकी भी रिकवरी की। जो रात में हाईवे पर रापी लगाकर ट्रकों को और कारों को लूटने के अपराध करता है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो पहले भी कई जिलों में गिरफ्तार हो चुका है। अभी तक हमने जो जानकारी ली है उसके अनुसार हरदा जिले में 392 का डकैती का एक प्रकरण इनके ऊपर दर्ज है। बाकी अन्य जिलों से, धार से और यहाँ से भी हम इसकी जानकारी मंगवा रहे हैं। इन सब लोगों का एक सिस्टम है कि ये लोग अपराध करने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं, अपने सभी साथियों को विभिन्न जगह से एकत्रित करते हैं और उसके बाद में अपराध करने निकल जाते हैं। अभी 10-12 दिन पहले ये घटना है हमारे ज़िले में, ये लोग कन्नौज रोड से गए यहाँ से और उसके बाद में चापड़ा होते हुए कमलापुर आए और कमलापुर होते हुए फिर ये हाट पिपलिया होते हुए निकले। तो जब इनको हाईवे पे कोई एक दो लोगों को ट्राई करते हैं कहीं कुछ